हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई, शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाइयों के बाद एक और लड़ाई बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की। शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अगर कोई बड़ा पंगा या बड़ा क्लैश हुआ है जिसको लोगों ने दिल पे लिया, तो वो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का था। आप लोगों को पता होगा, बहुत अरसा पहले जब कपिल शर्मा शो के अंदर सुनील ग्रोवर भी एज अ डॉक्टर काम करते थे, गुत्थी काम करते थे, तो कपिल शर्मा से भी ज़्यादा जो थी फैन फॉलोइंग थी वो सुनील ग्रोवर की थी। कपिल से भी ज़्यादा तालियां और सीटियाँ बजती थी जब सुनील ग्रोवर आता था एक डॉक्टर बन के। जी भाई, मैं भी उस बंदे का दिल से फैन हूँ। मैं भी चाहता था यार ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, सुनील ग्रोवर को एज अ डॉक्टर गुलाटी वापस आना चाहिए। और क्या बढ़िया बंदा काम करता है। मैंने कपिल शर्मा तब तक देखता रहा हूँ जब तक वो बंदा था। जिस दिन वो बंदा छोड़ के चला गया उसके बाद अभी तक कसम ले सकते हो मैंने कपिल शर्मा शो नहीं देखा। लेकिन अब जो न्यूज़ मिल रही है, बल्कि न्यूज़ क्या मिल रही है यार, कपिल शर्मा ने बहुत दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दिया था कि भाई हम सारी फैमिली वापस आ रहे हैं और जो हमसे गलतियाँ हुई, जो भी हमने किया, वो अब हम नहीं करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि बहुत साल पहले ये सारा टूर था ना, पूरी की पूरी टीम कपिल शर्मा की, ये ऑस्ट्रेलिया गई थी। और ऑस्ट्रेलिया पे वापसी जब ये लोग आ रहे थे ना, तो प्लेन के अंदर इन लोगों ने ड्रिंक विंक कर लिया था और आपस में कोई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सारे लोग बिखर गए। सुनील ग्रोवर तो बिल्कुल ही चले गए, उन्होंने पलट कर वापस नहीं देखा। लेकिन अब मुझे नहीं पता अंदर क्या चला है क्या नहीं, यही रिलाइज़ हुआ होगा कि भाई बहुत एक दूसरे से नाराज़ रह लिया, अब ख़त्म करो यार, नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो अब ये दोनों बंदे वापस मिल चुके हैं और कपिल शर्मा शो अब नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट आएगा। तो भाई आप लोग ये ब्रांड वैल्यू चेक कर सकते हैं, जैसे ही सुनील ग्रोवर वापस आया तो डायरेक्ट सोनी टीवी से नेटफ्लिक्स के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर बड़े बड़े शो चलते हैं भाई लोग, तो अब ये शो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर आया करेगा। और ये शो फाड़ने वाला है जिस तरह से इसने पहले फाड़ा था आज से 4-5 साल पहले, अब ये दोबारा उसी तरह से फाड़ के निकलने वाला है। सुनील ग्रोवर जैसे डॉक्टर गुलाटी बनकर वापस आएंगे और कपिल शर्मा की वो केमिस्ट्री दोनों बंदों की, और जैसे सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा को पछाड़ते हैं वहाँ पर, मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। कॉमेडी वापस जिंदा होने वाली है जो कि बहुत अरसे से मरी पड़ी थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब गुलाटी साहब वापस आएंगे और ये दो बंदे वापस आ गए। मैं दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी कस्में वादे तोड़े और वापस आए और हमारे लिए अब एंटरटेनमेंट लेके आओ, हम भी कुछ फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें और बाकी सब्सक्राइब तो भाई कर ही दो। और आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।